नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, बात करेंगे अरबिंदो फार्मा की। और अरबिंदो फार्मा ये शेयर अब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, गिरावट होने के बाद भी। और सिर्फ मुझे ही नहीं, जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने अपनी रेटिंग्स को एक ज़बरदस्त तरीके से अपग्रेड किया है दोस्तों, अरबिंदो फार्मा को लेकर के। क्या कहना है उनका, क्यों मुझे भी अब अरबिंदो फार्मा बहुत पसंद है। और सिर्फ अरबिंदो फार्मा ही नहीं, जो पूरा का पूरा जो फार्मा सेक्टर है उसमें अब दोस्तों बहुत अच्छे मौके बन रहे हैं खरीदारी के। ठीक है गाइस, हर एक चीज पे चर्चा होगी, आराम से वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलते सीधा शेयर प्राइस पे। तो फ्लैटेस्ट सा कारोबार हुआ है दोस्तों ये, देखिए। ठीक है, और ये अगर आप देखेंगे पिछले, अगर एक महीने की बात करूं, 4.5% से भी ज़्यादा की गिरावट है दोस्तों। और अगर आप यहां से देखिए, अगर यहां तक आप गए होंगे तो लगभग 6.5% की गिरावट है। और ये गिरावट रिजल्ट के बाद भी बहुत भयंकर हुई है। ठीक है, और आप ये देखिए, ये जो पार्ट यहाँ से गिरा उसके बाद से कभी उठ नहीं पाया दोस्तों। ठीक है, एक कंसोलिडेशन फेज में ही लगभग ये चल रहा है। बट अब लोगों का ये मानना है कि ये जो फेज है ये अब टूटेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, पहली बात तो ये है कि जो एक ऑब्वियस चीज है अब वो सब क्लियर हो गई है। मार्केट जो शेयर प्राइस होता है वो दोस्तों जब तक पूरी निगेटिविटी को कैश इन नहीं कर लेता तब तक वो रैली नहीं देता है। और अरबिंदो फार्मा में दोस्तों अब हर एक चीज, जो भी प्राइस में, जो भी प्राइस इन होना था, जो कहते हैं दोस्तों फार्मेसी सेक्टर में जो दबाव है, किस कारण है? इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन के कारण है। जो रॉ मटेरियल वो एक्सपेंसिव हो गए हैं, जो यूएस में डिमांड थी वो कम हो गई जेनरिक मेडिसिन की, प्लस अरबिंदो फार्मा से जो मार्केट शेयर है वो भी कम हुआ है, लोगों का कहना था। तो जो जो चीजें थी दोस्तों वो अब प्राइसिंग हो चुकी हैं। क्योंकि जब ये रिजल्ट आया था, जब ये सब बैलेंस शीट में दिखाई दिया था, तब किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ठीक है, तब शेयर एक बहुत प्रीमियम वैल्यू में ट्रेड कर रहा था। यही कारण है जब ये रिजल्ट आया, पिछला क्वार्टर की बात करूं दोस्तों, एक क्वार्टर का नहीं, बट जब पिछला क्वार्टर आया चीजें सब निगेटिव हुई इतनी कि भाई ये तो प्राइस बढ़ रहा है, मार्केट शेयर घट रहा है। और अब आने वाले समय में कोरोना वायरस केसेस कम होने के कारण जो जेनरिक मार्केट है मेडिसिन का उसमें कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है। इसलिए जो वो प्राइस में तब प्रीमियम प्राइम वैल्यूएशन कर रहे थे, वैल्यू कर रहे थे, उसके बाद एक गिरावट आई दोस्तों। ठीक है, एक ये देखिए, ये जो गिरावट आपको दिख रही है ना, ये वाली। बट अब क्या है, अब लगभग सब चीज दोस्तों कैश इन हो चुकी है, हर चीज रिफ्लेक्ट हो चुकी है अब इसके शेयर प्राइस में। और अब इसमें ज्यादा गिरावट नहीं, गिरने की शेयर की संभावना है नहीं दोस्तों। देखिए, संभावना प्रोबेबिलिटी, जो रिस्क रिवॉर्ड होता है ना दोस्तों, अब वो रिवॉर्ड की फेवर में, रिस्क उतना है नहीं दोस्तों अब। ठीक है, और आप देखिए इसका जो सपोर्ट है ना, अगर आप इसका सपोर्ट देखेंगे तो मैं बता दूं, जो ये 670 रुपए है ना दोस्तों, ये इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, निचले स्तरों में। और अगर ये नियर टर्म सपोर्ट और जो 650 है, ये दोस्तों नहीं टूटेगा अब लगता है। ठीक है, तो जितनी निगेटिविटी थी सब चीजें हो गई, अगर टूटता है तो तब उसमें बाजार का हाथ ज्यादा होगा दोस्तों। देखिए, जब मार्केट गिरेगा ना जोर से, गिरता है तो उसके साथ हर शेयर गिरते हैं, कोई भी शेयर नहीं बचता है। लेकिन हाँ, ये है कि जो शेयर ऑलरेडी गिरे रहते हैं उनमें गिरावट थोड़ी कम होती है दोस्तों। और अरबिंदो फार्मा उन्हीं स्टॉक्स में से एक है। ठीक है, और जब तक ये शेयर दोस्तों, अरबिंदो फार्मा जब तक 720 रुपए को दोस्तों ये तोड़कर क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर बंद नहीं होता, 720 को, 730 को, तब तक इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, वरना ये वापस जाएगा 710 के आसपास, फिर जाके फिर कंसोलिडेशन में मिल नीचे आ जाएगा, 670, 685 ऐसे करके। तो जब तक ये दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे 730 को तोड़ करके सस्टेन नहीं कर जाता, कोई भी एक रैली की उम्मीद आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं भाई ब्रोकरेज हाउसेस की, उनका क्या कहना है इसको लेकर के। तो आप देखिए, अरबिंदो फार्मा शेयर राइज आफ्टर ग्लोबल ब्रोकरेज अपग्रेड स्टॉक्स टू बाय। देखिए, CLSA हैज अपग्रेडेड अरबिंदो फार्मा टू बाय फ्रॉम आउट परफॉर्म विद द टारगेट प्राइस ऑफ ₹830 अ शेयर। ठीक है, एंड आउटसाइड ऑफ 19% फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब ग्लोबल फंड भी जो है, ग्लोबल हाउसेस हैं, वो भी कह रहे हैं कि भी अब ये भागेगा। ठीक है, अब आप देखिए,
यहाँ पे, और विंडो शफल अप बाई 3% टू 698 इन द आफ्टरनून ट्रेड ऑन नवंबर 10 एज ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए अपग्रेडेड द स्टॉक टू बाय फ्रॉम आउट परफॉर्म विद द टारगेट प्राइस ऑफ 360 830 अ शेयर अप शॉर्ट ऑफ 19%. प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फेल 13% इन ईयर ऑन ईयर एंड इज 5% बिलो अवर एस्टिमेट. हाउएवर यूएस रेवेन्यू सरप्राइज पॉजिटिवली एंड ग्रू 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. दोस्तों पिछली बार जो गिरावट हुई थी ना वो यूएस के बिजनेस के कारण ही हुई थी, और अब जो इसमें तेजी आने की बातें हो रही है वो इसलिए हो रही है कि यूएस का बिजनेस वापस खड़ा हो रहा है. ठीक है, आप देखिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग सेल्स सॉ अनदर क्वार्टर विद अ शार्प डिक्लाइन. द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट टुवर्ड द डेवलपमेंट हाई एंट्री बैरियर प्रोडक्ट वॉज प्रोग्रेसिंग वेल. ठीक है, सीएलएसए हाउएवर लोअर्ड इट्स फाइनेंशियल 22-24 ईपीएस एस्टिमेट बाय 2-4%. ठीक है, तो ये तो बातें हो रही सीएलएसए की, और कोई ब्रोकरेज फर्म की यहाँ पे बातें कर रहा है ये. तो देखिए अगर आप बात करेंगे और किसी की, तो देखिए क्रेडिट स्विस का क्या मानना है. क्रेडिट स्विस हैज एन आउट परफॉर्म कॉल ऑन द स्टॉक बट हैज कट द टारगेट प्राइस ₹2-1110 फ्रॉम 1130 अ शेयर. ठीक है, तो क्रेडिट स्विस के टारगेट आपने देखे 1100 से भी ऊपर है. ठीक है, इट हैज कट फाइनेंशियल 22-23-24 ईपीएस 5-3 and 5% respectively. द ब्रोकरेज फर्म सेड अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू इन द इंजेक्टेबल बिजनेस वॉज प्रोग्रेसिंग. द इंजेक्टेबल बिजनेस वॉज 25% ऑफ प्रॉफिट एंड कुड री रेट द स्टॉक. ठीक है, गोल्डमैन सैक्स का क्या मानना है. तो भाई गोल्डमैन सैक्स कैरी एज अ बाय ऑन द स्टॉक बट ऑल्सो कट टारगेट ₹3860 फ्रॉम 930 अ शेयर. ठीक है, इट हैज कट फाइनेंशियल 22-24 ईपीएस एस्टिमेट बाय अप टू 7% टू फैक्टर इन लोअर टॉप लाइन एंड स्लोअर मार्जिन डेवलपमेंट. ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब ब्रोकरेज फर्म भी धीरे धीरे दोस्तों इसमें अब आउट परफॉर्म कर रही है, अब जो अपनी रेटिंग को बढ़ा रही है. और मैं हमेशा कहता हूँ और बिंदु फार्मा इट्स अ गुड कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए. 650-670 के आसपास मिले बिल्कुल इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो दोस्तों बिल्कुल पकड़ के रखना चाहिए. और मंडे को मुझे लगता है एक बाउंस बैक आपको ये दे सकता है. ठीक है, अगर नहीं भी दे, अगर गिरावट होती है तो अरबिंदो फार्मा इज अ गुड कंपनी फॉर अ लॉन्गर टर्म. बस याद रखिएगा वो लोग जो अपने शेयर को या अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको ज्यादा मूवमेंट नहीं देख सकते हैं वो अरबिंदो फार्मा से एकदम दूर रहे दोस्तों. ठीक है, वॉलेटाइल स्टॉक है, गिरता उतनी तेजी से भागता वैसा है, बहुत ज्यादा जिगजैग इसका पैटर्न रहता है, ये याद रखिएगा. ठीक है, जो वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते प्लीज अरबिंदो फार्मा से दूर रहिए. और अरबिंदो फार्मा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल पॉजिटिव है, और एक आपको लॉन्ग टर्म के लिए अरबिंदो फार्मा बिल्कुल सोचना चाहिए. ये मेरी पर्सनल राय है दोस्तों. आपको राय अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद. जय हिंद दोस्तों.